हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस ये जो फेस्टिवल का सीज़न है और ये जो वेडिंग्स का सीज़न है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जंक खाया है, इसमें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई हैं, फ्राइड फूड खाया है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की ना हमने बैंड बजा दी है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया है, अब बोल रहा है कि बस अब और नहीं, तो अब बंद करिए ये सारी स्वीट्स, ये सारा फ्राइड फूड और जो भी जंक और गंदगी हमने खाई है, और अब अपनी बॉडी को वापस से डिटॉक्स करते हैं। आज जो मैं डाइट प्लान लेकर आई हूँ, डिटॉक्स डाइट प्लान, उससे अब ये जो डिटॉक्स डाइट प्लान है ना, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो आपकी बॉडी की जितनी भी गंदगी है, जितना भी टॉक्सिन है जो हमने जंक फूड खा के, शुगर खा के, फ्राइड चीज़ें खा के अपनी बॉडी में जमा कर लिया है, ये सारे फेस्टिव और वेडिंग सीजन में, उसको निकाल के बाहर फेंकेगा बॉडी से। आपकी स्किन को फिर से रिजुविनेट कर देगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को थोड़ा सा रेस्ट देगा, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बाद फिर से वापस वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाए। तो गाइज जब आप ये डिटॉक्स डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इस डाइट प्लान के साथ आपने शुगर, टी, कॉफ़ी, रिफाइंड फ्लावर, सैचुरेटेड फैट जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने लेने हैं बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारा पानी, बहुत सारा फाइबर। पानी कितना लेना है आपने, 2.5 से 3 लीटर पानी आपने ज़रूर लेना है। अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है आपने इस डिटॉक्स डाइट प्लान के साथ। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन बिल्कुल भी मत करिएगा, एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत करिएगा, रेस्ट करिएगा पूरे टाइम। 1 वीक का डाइट प्लान आपको दे रही हूँ। इस 1 वीक के डाइट प्लान को जब आप फॉलो करोगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिजुविनेट हो जाएगी और आपका जितना भी एक्सेस वेट है ना, 2, 2.5, 3 किलो, वो गोवा गॉन हो जाएगा इस डाइट प्लान के बाद। गाइज जब आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपको फील होने लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस डाइट प्लान में जो भी चीज़ें मैं आपको दूंगी ना, वो बहुत ईजीली डाइजेस्टेबल होंगी, बहुत ज़्यादा लाइट होंगी। तो जो भी कैलोरीज और जो भी एनर्जी आपकी डाइजेशन में यूज़ होती है वो आपकी बॉडी की हीलिंग में होगी, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हील हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगी ये डाइट प्लान यूज़ करने के बाद। इस डाइट प्लान को डायबिटीज़ के पेशेंट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेना है सिंपल 1 लेमन वाटर इस डाइट प्लान के साथ रोज़। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 1 ग्लास पानी लेना है, गुनगुना, गर्म नहीं होना चाहिए, उसमें 1/2 लेमन स्क्वीज़ करना है और आपको पी लेना है। लेमन वाटर जो है बहुत ही अमेजिंग है एसिडिटी के लिए। तो क्योंकि हमने इतना सारा जंक खाया हुआ है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, स्वेलिंग है पूरी बॉडी में, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो लेमन वाटर से बहुत अमेजिंगली क्योर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जो लेमन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इम्यूनिटी के लिए। तो क्योंकि हमने बहुत सारा जंक खाया हुआ है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी नीचे आ जाती है, तो लेमन वाटर पिएंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी ब्रेकफास्ट की। गाइज जो भी मेरा डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं ना, आप उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि 8 घंटे की नींद ज़रूर आपने लेनी है। कोशिश करिए आप 10, 10:30 मैक्सिमम रात को सो जाइए और सुबह 6, 6:30 आप उठिए और अपना जो ब्रेकफास्ट है अराउंड 7:30, 8 o'clock के आसपास आप कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको दे रही हूँ बहुत ही एक अमेजिंग और टेस्टी ऑप्शन है। ये मैं आपको दे रही हूँ पाइनएप्पल सैलेड का। कैसे बनाना है पाइनएप्पल सैलेड, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले बना लेंगे हम अपनी ड्रेसिंग या मैरिनेट, कुछ भी आप इसको बोल लो। थोड़ा सा सॉल्ट ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर या क्यूमिन सीड पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गुड़ या जैगरी डाल रही हूँ मैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बन गई हमारी ड्रेसिंग। अब मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल ले लिए हैं, इसको अच्छे से मैं कोट कर लूँगी इस ड्रेसिंग या मैरिनेट के साथ और 5 to 10 मिनट्स इसको छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे एक ग्रिल पैन ले लिया है मैंने, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल तवा भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो पाइनएप्पल के राउंड स्लाइसेस हैं इसको मैं ग्रिल पैन पर रख दूंगी। फ्लेम यहाँ पर हाई पर है इस वक्त। अब ये एक साइड से अच्छे से कुक हो गए हैं, इसको टर्न कर देती हूँ मैं दूसरी साइड पर। देखिए कितने ब्यूटिफुल ग्रिल मार्क्स आ गए हैं इसके ऊपर। अब ये थोड़ी सी वेजीज ले रही हूँ मैं, रेड बेल पेपर, थोड़े से येलो बेल पेपर और थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम। इनको भी मैं इस मैरिनेट में डालकर अच्छे से कोट कर दूंगी, इनको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों आप इसमें यूज कर सकते हैं सैलेड के लिए। अब ये पाइनएप्पल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इनको प्लेट में सर्व कर लेंगे हम। और ये जो हमारे बेल पेपर और कैप्सिकम है इसको मैं उसी ग्रिल पैन पे डाल दूंगी और थोड़ा सा हम इसको सॉटे कर लेंगे या कुक कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसको कुक नहीं करना, ये थोड़े से क्रंची ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल रेडी है ये, इसको भी अपनी प्लेट में सर्व कर लूंगी। दैट्स इट, ये रेडी है हमारा पाइनएप्पल सैलेड। Just look at it guys, it's so colorful, it's so beautiful and gorgeous और ये खाने में उतना ही ज़्यादा yummy and delicious लगता है। जब सुबह सुबह आप इसको खाओगे ना तो आप बहुत ज़्यादा refresh and energetic हो जाओगे। तो गाइज़ ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन था पाइनएप्पल सैलेड का, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अमेजिंगली फुल रखता है आपको काफ़ी देर तक और बहुत ही रिफ़्रेश कर देता है आपको। विटामिन सी का भरपूर भंडार है पाइनएप्पल, तो अगर आप ये खाएंगे तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप पाइनएप्पल नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मेरी पपाया स्मूदी। कैसे बनाती हूँ मैं अपनी पपाया स्मूदी, चले किचन में मैं बताती हूँ। पपाया स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 स्पून बेसिल सीड ले लिए हैं सबसे पहले और इसमें 1 ग्लास वाटर डाल रही हूँ और इसको साइड पर रख देंगे फूलने के लिए 10 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे पपाया ले लिया है चॉप्ड, इसको एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे हम। थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब ये बेसिल सीड्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल स्वोलन हो गए हैं। इसको एक जार में डाल देंगे हम और ये हमारा ब्लेंडेड पपाया, इसको भी जार में डाल देंगे। एंड दैट्स सिंपल गाइस, सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं हमको अपनी पपाया स्मूदी बनाने के लिए। सुबह सुबह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो इससे क्विक ऑप्शन हो नहीं सकता। और रेडी है हमारी डिलिशियस पपाया स्मूदी। ये बहुत फिलिंग है और बहुत रिफ्रेशिंग है एंड वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी सुपर्ब है, इसको आप ज़रूर ट्राई करो। ये कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव करती है और आपको सुपर्ब फैंटास्टिक वेट लॉस देगी। तो गाइज़ ये जो पपाया है ना ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है या एसिडिटी हुई हुई है क्योंकि इतना सारा जंक खाया है, तो अगर आप पपाया स्मूदी लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंगली ट्रीट कर देगी। आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हील कर देगी। अगर आप पपाया स्मूदी नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं बीटरूट स्मूदी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये है, आप जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये भी बहुत अमेजिंग है, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिटॉक्स कर देती है आपकी बॉडी को, सारे टॉक्सिन सारी गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देती है। आपको कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसमें भी आपको बहुत अमेजिंग रिलीफ देती है। तो ये बीटरूट स्मूदी आप ले सकते हैं। अगर बीटरूट स्मूदी नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ये मेरी फ्रूट चाट की रेसिपी, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये जो जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ना जो मैं आपको अपने ब्रेकफास्ट में लेने के लिए बोल रही हूँ, सुबह सुबह जब आप इसको लोगे तो इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को एकदम से हील कर देंगे और आपकी जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल कर बाहर फेंकेंगे क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं जो कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा जंक ईटिंग की वजह से हमारी बॉडी में बढ़ गए हैं उन सबको ये कर देंगे सप्रेस और आपकी बॉडी को कर देंगे हील। गाइज इसके बाद आती है हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक की बारी। मिड मॉर्निंग स्नैक हमेशा मैं आपको बोलती हूँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच की जो छोटी सी भूख होती है। अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं तो वो फुलफिल हो जाती है और आप अपने लंच में ओवर ईट नहीं करते, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को रखती है बहुत ज़्यादा हाई। डिटॉक्स डाइट प्लान में मैं आपको मिड मॉर्निंग स्नैक में दे रही हूँ 1 क्यूकम्बर। आप 1 क्यूकम्बर या 1 खीरा खाएंगे, आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, लेकिन उसकी स्किन मत उतारिए, आप उसको पील नहीं करेंगे, उसकी स्किन के साथ ही खाएंगे। आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा लेमन आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। साथ में आपको लेना है बेसिल सीड। कैसे लेना है? 1 ग्लास वाटर लेना है, 1 स्पून उसमें बेसिल सीड्स डालना है, मिक्स कर देना है और उसको साइड पे रख देना है फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद जब बेसिल सीड्स बहुत अच्छे से फूल जाएंगे तो आपको ये पी लेना है। अब ये जो क्यूकम्बर और ये जो बेसिल सीड्स है ना, ये भी आपके स्टमक को कर देंगे बिल्कुल क्लीन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे आपको, क्योंकि जो बेसिल सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है उसका। आपकी बॉडी हीट को कम करते हैं, एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की। क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट लिया हुआ है तो कोशिश करिए आप अपना लंच जो है वो अराउंड 1 o'clock तक ज़रूर ले लीजिए, उससे ज़्यादा लेट आप बिल्कुल मत करिए। तो अराउंड 12:30 या 1 o'clock तक अपना लंच आप ज़रूर ले लीजिए। लंच में जो मैं आपको दे रही हूँ वो दे रही हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ज्वार पराठा। कैसे बनाना है अपना ज्वार पराठा, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। ज्वार पराठा बना रहे हैं हम, और मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश कॉलीफ्लावर या फूल गोभी ली हुई है। ये बहुत अच्छी और फ्रेश आ रही है आजकल मार्केट में, आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 स्पून ऑयल डाल लिया है, उसमें चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ। ये मैंने ग्रेट कर लिया है फूल गोभी को या कॉलीफ्लावर को। अब यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली चॉप्ड, रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सौटे कर लेंगे हम। अब अपने पराठा के लिए हम आटा लगा लेते हैं। मैंने 1/2 कप यहाँ पे बेसन या ग्राम फ्लावर ले लिया है और 1/2 कप ले लिया है यहाँ पे जवार का आटा या फिर सॉरगम फ्लावर। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, क्यूमन सीड्स, थोड़ा सा कैरम सीड्स या अजवाइन, थोड़े से फ्लैक्स सीड्स, और ये जो हमने कॉलीफ्लावर अपनी प्रिपेयर करी है स्टफिंग, इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम ल्यूकवार्म वाटर डालेंगे, गुनगुना पानी, और आटा अपना गूंद लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा इससे प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका छोटा एक पेड़ा बनाकर हम अपनी रोटी या पराठा बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना कोई भी नॉर्मल रोटी या पराठा बनाते हैं। हम इसको बेल लेंगे और तवे पर इसको सेक लेंगे, इसको कुक कर लेंगे हम दोनों साइड से अच्छे से। बिल्कुल रेडी है हमारा पराठा। तवे पर बिल्कुल कोई ऑयल या घी नहीं लगाएंगे, इसको प्लेट में सर्व करेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा आप ऐसे 1 या 2 पराठे ले सकते हैं किसी भी वेजिटेबल के साथ या चटनी के साथ या रायते के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कोई भी आप सीजनल वेजिटेबल इसके अंदर स्टफ कर सकते हैं। ये बहुत ही सुपर्ब है वेट लॉस के लिए और प्रोटीन रिच हैं ये। तो गाइज़, ये थी ज्वार पराठा की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग और डिलिशियस ऑप्शन है ये आपके लंच के लिए। इसको आप 1 या 2 ले सकते हैं, एक अच्छे बोल वेजिटेबल के साथ, या फिर 1 कटोरी रायता ले सकते हैं, या चटनी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। ज्वार जो है बहुत अमेजिंग सोर्स है प्रोटीन का, तो अगर आप ये लेते हैं तो आपकी पूरे दिन की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है इसको लेकर। तो गाइज़, आप ये ले सकते हैं। अगर आप ज्वार पराठा नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं गार्डन ग्रीन सैंडविच। मेरा ये उसकी रेसिपी है, ये वीडियो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसमें जाके देख सकते हैं कि गार्डन ग्रीन सैंडविच किस तरीके से बनाना है। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये। इसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल्स और सैलड लीव्स को यूज़ करके मैंने बनाया है। अगर आप सैंडविच नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ये मेरी मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी। इसको भी आप 1 या 2 ले सकते हैं, वेजिटेबल के साथ, रायते के साथ, या फिर चटनी के साथ। अगर आप रोटी नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ये मेरे मसाला ओट्स की रेसिपी है, इसको जाके आप देख सकते हैं। आप ये भी ले सकते हैं अपने लंच में। लंच के बाद आती है हमारी इवनिंग टी। इवनिंग टी आप ज़रूर लीजिए, उसके साथ एक छोटा सा स्नैक ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो डिनर में आप ओवर ईट नहीं करते और आपका मेटाबॉलिज्म रहता है हाई। तो आपको गाइज इवनिंग टी में लेना है ग्रीन टी। ग्रीन टी का एक आप कप ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड की कोई सी भी ग्रीन टी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करेगा। और उसके साथ आपको लेना है मिक्स सीड्स का 1 स्पून। मिक्स सीड्स में कौन कौन से सीड्स आपको यूज़ करने हैं? पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। इन सबको मिक्स करके आपने 1 स्पून जो है इसके साथ खाना है। आप इसको रोस्टेड भी खा सकते हैं या आप इसको बिना रोस्ट करे भी खा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अराउंड 7-7:30 तक अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। उससे ज़्यादा लेट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपको देगा अमेजिंग वेट लॉस। तो डिनर में जो मैं आपको दे रही हूँ इस डाइट प्लान के साथ, सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारे सॉटीड वेजिटेबल्स। बहुत ही अमेजिंग है, मेरा फेवरेट डिनर ऑप्शन है। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं ये डिनर अपने डाइट प्लान में यूज़ करती हूँ। तो गाइज़ चलिए मेरे किचन में देख लेते हैं कैसे बनाती हूँ मैं अपनी सॉटेड वेजिटेबल्स। सॉटेड वेजिटेबल्स बना रही हूँ मैं। एक पैन में मैंने यहाँ पे 1 स्पून ऑयल ले लिया है, थोड़े से सेसमी सीड्स डाल रही हूँ इसमें, वाइट तिल, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, लहसुन। इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे, लाइट ब्राउन हो जाएंगे जब ये, तो यहाँ पे क्यूब्स में मैंने अनियंस कट कर लिए हैं, ये डाल देंगे। चॉप्ड ब्रोकली, इसको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। चॉप्ड कैप्सिकम ले रही हूँ, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, इन सबको बड़ा साइज में चॉप करा है मैंने, और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे और मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ये थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है। चॉप्ड मशरूम ले लिए हैं मैंने। अगर आपके पास घर पे कोई भी वेजिटेबल ना हो इनमें से, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और बाकी सारी वेजिटेबल्स को सॉटे कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड दैट्स सिंपल। इतना क्विकली हमारे सॉटेड वेजिटेबल्स बनके रेडी हो गए हैं। अब गैस को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे हम प्लेट में। ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनते हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं गाइज। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने मील्स में। बहुत ही कलरफुल, ब्यूटीफुल, यमी लगते हैं, ये डिलिशियस हैं और आपको सुपर्ब वेट लॉस देते हैं। ज़रा आप देखिए कि इसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे और कितने विटामिन होंगे इसमें। इट्स ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। तो गाइज़ ये है मेरी अमेजिंग, कलरफुल सी, ब्राइट सी, बहुत यमी सी सॉटेड वेजिटेबल्स की रेसिपी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते डिनर में, तो आप ले सकते हैं मेरे वेट लॉस घिया की रेसिपी। ये मेरे वेट लॉस घिया की रेसिपी, आप इसको जाके देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है ये वेट लॉस के लिए, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं सूप। विंटर्स का मौसम है और हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जंक खा के बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है, तो ये सूप्स जो हैं आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीलिंग में हेल्प करेंगे। ये 7 सूप्स की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप इसको जाके देख सकते हैं। ये ले सकते हैं आप डिनर में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, ये क्रंची कैरेट बीन की रेसिपी है। एक छोटा बोल आप ये खा सकते हैं अपने डिनर में। डिनर के बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे डाइट प्लान का, क्योंकि डिनर के 1-1.5 घंटा बाद जब आप अपनी नाइट ड्रिंक लेते हैं तो पूरी रात आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहता है और आपको ये कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग नाइट ड्रिंक की वजह से आपका स्टमक जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो नाइट ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूँ अजवाइन टी। कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं, बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल, बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। सो सिंपल, इट्स रेडी गाइज। तो गाइज अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है डाइजेशन के लिए। तो क्योंकि हमने इतना ज़्यादा जंक फूड खाया हुआ है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा थक गया है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको थोड़ा आराम देने के लिए जो अजवाइन टी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको ब्लोटिंग है या एसिडिटी है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हुए हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनको रिलीव करने में। तो गाइज ये था हमारा डिटॉक्स डाइट प्लान। अब जो आपने अपना वेट बढ़ा लिया है ये फॉलो करिए डिटॉक्स डाइट प्लान, और गारंटीड आपका एक हफ्ते में 2.5-3 किलो जितना भी आपने बढ़ाया है वो सारा का सारा चला जाएगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी वेट लॉस हो जाए। तो इसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसने कितना हेल्प किया। अगर मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको थम्स अप ज़रूर देना, इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्होंने भी तो वेट बढ़ाया होगा अपना ये सारे फेस्टिवल्स में और वेडिंग्स में जा जाकर, तो उनको भी तो हेल्प मिलेगी। इससे ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, आपको दुआएँ देंगे वो। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे अमेजिंग डाइट प्लान्स और हेल्दी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ आप सबके साथ बहुत सारे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स मेरे क्लाइंट्स के, जिसको देख देख कर आप भी मोटिवेट होंगे और आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जल्दी से जल्दी अपना वेट लूज करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइज, बाय फॉर नाउ।